डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि अगर हम अपने वेंडर से सामान रिसीव करते हैं, यानी मर्चेंडाइज रिसीव करते हैं, और साथ साथ हम उसका बिल भी रिसीव कर लेते हैं, तो किस तरह से क्विक बुक में आप इसकी एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर ये बात वाजे कर दूँ कि यहाँ पर दो सिचुएशंस मुमकिन हैं। पहली सिचुएशन तो ये है कि आप अपने वेंडर से सामान भी रिसीव कर रहे हैं, यानी जो आपने मर्चेंडाइज का ऑर्डर उसे दिया था वो मर्चेंडाइज भी रिसीव कर रहे हैं, साथ साथ आप उसका बिल भी रिसीव कर रहे हैं, यानी कि सामान भी पहुंच गया और बिल भी पहुंच गया। ये पहली सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि आपने सामान तो अभी रिसीव कर लिया है, लेकिन बिल आपको बाद में रिसीव होगा, कुछ दिन के बाद आपको जो है वो उसका बिल रिसीव होगा। तो ये दो सिचुएशंस है जिसे आप यहाँ पर आज समझने जा रहे हैं। अच्छा, इसको समझने से पहले ज़रा मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं। रिपोर्ट्स में जाते हैं और रिपोर्ट्स में जाने के बाद यहाँ पर इन्वेंट्री पर आते हैं और इन्वेंट्री वैल्यूएशन समरी पर आते हैं। तो यहाँ पर जो मेरे पास इन्वेंट्री शो हो रही है वो ये कुछ इन्वेंट्री है कि मेरी फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग की बुक जो है वो माइनस में चले गई है, क्योंकि वो मैंने एक ऑर्डर ज़्यादा कर दिया था। सेकेंड ईयर अकाउंटिंग की मेरे पास दो बुक्स हैं, बिजनेस मैथ की एक बुक है और स्टैटिस्टिक्स की मेरे पास कोई बुक मौजूद नहीं है। ठीक है जी, अब मैं इसे बंद कर देता हूँ। अब मैं अपने सप्लायर से सामान रिसीव कर रहा हूँ। अच्छा, ये बता दूँ मैं कि मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ आज के वीडियो में, कि मैं डायरेक्ट अभी अपने वेंडर से सामान रिसीव कर रहा हूँ और जो मैंने एक ऑर्डर दिया था मैं उस ऑर्डर के बदले भी सामान रिसीव कर रहा हूँ। तो दोनों के अगेंस्ट मैं आपको बिल बनाकर दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम अपने वेंडर से सामान रिसीव कर सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर रिसीव करता हूँ, पहले मैं यहाँ पर आज को आप जो एंट्री बता रहा हूँ वो कुछ एंट्री कुछ इस तरह से बता रहा हूँ कि रिसीव आइटम एंड इंटर बिल। पहले इसकी बात कर लेते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया, ये आपके सामने जो है वो एक विंडो ओपन हो जाएगी। आप सबसे पहले अपने वेंडर का नाम सेलेक्ट कीजिए कि किस वेंडर से आपने जो है वो ये सामान, ये माल जो है ख़रीदा है। सपोज़ कीजिए कि हमने जो है वो इमरान से ये सामान ख़रीदा है, जो भी इमरान का एड्रेस होगा अगर आपने डाला होगा तो वो एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। सपोज़ कीजिए कि हमने यहाँ पर कोई एड्रेस नहीं डाला था इसलिए यहाँ पर कोई एड्रेस नहीं आ रहा। अगर आप किसी और वेंडर को सिलेक्ट करेंगे तो उसका जो एड्रेस होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है जी, अमाउंट ड्यू इसके ऊपर कोई हमारा इसके ऊपर कोई अमाउंट ड्यू है तो अभी हमने इससे अभी तक कोई सामान नहीं खरीदा तो अभी तक कोई अमाउंट ड्यू नहीं है। टर्म्स, टर्म्स क्या होंगे, आप यहाँ से टर्म सेट कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए कि हमने सेट किया है, ये वाली टर्म सेट कर लिए। ठीक है, डिस्काउंट रेट, यानी डिस्काउंट आपको कब तक मिलेगा, डिस्काउंट आपको मिलेगा 16 तारीख तक, यानी 16 तारीख तक आपको जो है वो इसका डिस्काउंट जो है वो मिल सकता है। ठीक है जी, यानी कि अगर आपने इसकी पेमेंट 16 तारीख को कर दी तो आपको इस पर 1% जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। चल, अब हम यहाँ पर नीचे आते हैं इसके बॉटम एरिया पर कि अब हम इससे जो है वो क्या सामान खरीद रहे हैं। ठीक है, आप आइटम पर रखेंगे, आप एक्सपेंसेस पर नहीं आएंगे, बल्कि आप किस पर आएंगे, आप आइटम पर आएंगे कि आप उससे कौन सा सामान खरीद रहे हैं। देखिए देखिए भाई, एक्सपेंसेस से यहाँ पर मुराद ये है कि आप कोई खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, जैसे रेंट दे रहे हैं, यूटिलिटीज़ दे रहे हैं या सैलरीज दे रहे हैं, फला फला, ये वो यहाँ पर वो एक्सपेंसेस की बात कर। तो हम यहाँ पर कोई एक्सपेंस नहीं कर रहे बल्कि हम यहाँ पर कोई उससे आइटम परचेज़ कर रहे हैं। तो आपको जहन में रखना है कि आपको किस में रहना है, जब आप परचेज़ कर रहे हैं तो आपको आइटम में आना। तो आप आइटम पे आकर यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपना आइटम बताएंगे कि आप उससे कौन सा आइटम परचेज़ कर रहे हैं। सपोज़ कीजिए कि हमने फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग की बुक उससे खरीदी है, और कितनी बुक्स खरीदी है हमने उससे, 5 बुक्स खरीदी हैं। एक बुक की कॉस्ट 220 रुपये है। अगर आपको लगता है कि चेंज हो गई है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने यहाँ पर चेक कर दी है और इसे क्या कर दीजिए, सेव एंड क्लोज कर दीजिए। वो पूछेगा यू हैव चेंज द टर्म्स ऑफ इमरान फॉर दिस ट्रांजेक्शन, आपने इमरान की जो टर्म्स है वो क्या कर दिए, चेंज कर दिए। दिस चेंज विल रिफ्लेक्ट इन योर करंट ट्रांजेक्शन, डू यू वॉन्ट टू मेक इट परमानेंट, दैट इज रिफ्लेक्ट इन ऑल योर पास्ट फ्यूचर ट्रांजेक्शन। तो आप अगर इसे अपनी टर्म्स को चेंज करना चाहते हैं तो आपने वो ये आपको ये वॉन्ट कर रहा है कि भाई आपने अपनी टर्म्स क्या कर दिए, चेंज कर दिए। आपने बोला हाँ ठीक है, हमने अपनी टर्म्स है वो चेंज कर दिए। अब ये आपने इमरान से सामान परचेज किया है, याद रखिएगा कि हमने जो सामान परचेज किया है ये क्रेडिट पर यानी उधार पे परचेज किया है। कैसे चेक करेंगे, वेंडर्स पर आइए, वेंडर सेंटर पर आइए और ये देखिए आपको इमरान के आगे बैलेंस में नज़र आ रहा है 1100। बैलेंस में आपको 1100 क्यों नज़र आ रहा है, गैप बैलेंस में आपको 1100 रुपये इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पर 1100 रुपये अब इमरान पर यानी आपके ऊपर जो है वो ड्यू है इमरान के, यानी आपको इमरान को 1100 रुपये अदा करने, तो इसीलिए यहाँ पर बैलेंस के तौर पर शो हो रहा है। ठीक है जी, अब आप अपनी इन्वेंट्री में जाकर चेक करें, रिपोर्ट्स में जाइए, रिपोर्ट्स में यहाँ इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री समरी में जाइए तो देखिए फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग की बुक जो है वो आपने मेरे ख्याल से 3 बुक्स खरीदी थी, तो आप सॉरी 5 खरीदी थी शायद, तो 1 माइनस में थी और 5 आपने अभी खरीदी है, तो ये 4 जो है वो फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग की बुक्स हो गई यहाँ पर। ठीक है जी, अब आइए, अब हम ये समझते हैं कि अगर हम परचेज ऑर्डर से
सामान परचेज करना चाहते हैं तो वो कैसे परचेज कर सकते हैं। दो तरीके हैं उसके, वेंडर्स पर जाइए, यहाँ पर है क्रिएट सॉरी रिसीव आइटम्स एंड इंटर बिल, यहाँ पर जाइए। जिससे आप सामान रिसीव कर रहे हैं आप उसका नाम यहाँ पर लिखिए, जैसे मैं लिखता हूँ मंसूर। जैसे ही आप मंसूर का नाम सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली वो आपको एक विंडो शो करेगा, ओपन परचेज ऑर्डर एग्जिस्ट फॉर दिस वेंडर। इसका एक इस वेंडर का एक परचेज ऑर्डर पहले से ही क्रिएट हुआ हुआ है। क्या आप उसी ऑर्डर के अगेंस्ट माल रिसीव कर रहे हैं? अगर आप उसी ऑर्डर के अगेंस्ट माल रिसीव कर रहे हैं तो यस कर दीजिए, और अगर उस ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं है तो इसे क्या कर दीजिए, नो कर दीजिए। ठीक है जी, खैर मैं अभी इसे नो करता हूँ और मैं इसे बंद कर देता हूँ। इसका दूसरा तरीका भी मैं आपको दिखाता हूँ कि दूसरा तरीकेकार इसका क्या होगा। वेंडर्स पे जाइए और इसके अलावा यहाँ पर बिल ट्रैकर है, बिल ट्रैकर पर क्लिक कीजिए। ये जो परचेज ऑर्डर था यहाँ पर, परचेज ऑर्डर पर आइए, एक परचेज ऑर्डर इसका अनबिल्ड है, इसे आप यहाँ से किस में कन्वर्ट कर दीजिए, कन्वर्ट टू बिल। आप इसे किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बिल में। ऑटोमेटिकली ये वही वाली ट्रांजेक्शन, वही वाली विंडो ओपन कर देगा जिस पर अभी हम मौजूद थे। ठीक है जी, तो दो तरीके हैं, दोनों में से कोई सा भी तरीका आपको अगर मुनासिब लगता है आप वहां से इसे क्रिएट कर सकते हैं। मैं फिर बता दूं, वेंडर्स में रिसीव आइटम एंड इंटर बिल, यहाँ पे गए, यहाँ पर आपने अपना वेंडर सेलेक्ट किया मंसूर, जैसे सेलेक्ट करेंगे वो बता देगा कि इसके नाम का ऑलरेडी परचेज ऑर्डर बना हुआ है, इसे यस कर दीजिए। यह उन्होंने आपको लिस्ट दिखा दी, इस पर आपको सिर्फ चेक करना है, आपने इसे चेक किया और ओके कर दीजिए। ये उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर आ गई, तमाम की तमाम डिटेल, एड्रेस, टर्म्स, डेट। अच्छा, ये डिस्काउंट डेट है कि आपने जैसे सामान खरीदा वो 6 तारीख को खरीदा है, और डिस्काउंट कब तक अवेलेबल है, 11 तारीख तक। यानी अगर आपने इस बिल की पेमेंट 11 तारीख को कर दी तो आपको जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा इस पर। ठीक है जी, ये आपके सामान की डिटेल है। टोटल अमाउंट जो है वो आपका कितना बनता है, 8,590 रुपये, ये यहाँ पर अमाउंट शो हो रहा है, 8,590 रुपये इस बिल का टोटल अमाउंट है। ठीक है जी, ये आपकी जो डिटेल है कि आपने क्या क्या सामान उससे खरीदा है। ठीक है, अमाउंट यहाँ पर भी शो हो रहा है, अमाउंट यहाँ पर भी शो हो रहा है। ये जहन में रखना है कि यहाँ पर एक्सपेंसेस पे नहीं रहना बल्कि आपको किस पे रहना है, आइटम पे रहना है। और इसे क्या कर दीजिए, सेव एंड क्लोज कर दीजिए। सेव एंड क्लोज करने के बाद आइए ज़रा थोड़ी सी रिपोर्ट्स चेक करते हैं। हम रिपोर्ट्स में जाते हैं और इन्वेंट्री पर आते हैं। इन्वेंट्री पर आने के बाद इन्वेंट्री वैल्यूएशन समरी पर आते हैं तो देखिए, अब यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग की बुक 14 हो गई है, सेकंड ईयर अकाउंटिंग की बुक जो है वो 17 हो गई है, बिजनेस मैथ की बुक 9 हो गई है और स्टेट्स की बुक 8 हो गई। पहले ये बुक सेकेंड ईयर स्टेट्स की बुक 0 थी मेरे पास। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारे पास इन्वेंट्री चेंज हो गई। साथ साथ वेंडर पर आते हैं, वेंडर सेंटर पर चलते हैं और ये चेक करते हैं कि अब क्या मंसूर के ऊपर, हाँ मंसूर के अब ऊपर कितने, यानी हमारे ऊपर मंसूर के कितने पैसे ड्यू हैं, 8,590 रुपये अब हमारे ऊपर ड्यू हैं जो कि हमें अदा करने हैं। किसको अदा करने हैं, मंसूर को अदा करने। पहले ये बैलेंस शो नहीं था, जब तक परचेज ऑर्डर रहेगा तब तक ये बिल जो है वो, ये अमाउंट शो नहीं होगा। जैसे ही परचेज ऑर्डर को आपने इनवॉइस में कन्वर्ट किया अब यहाँ पर जो है वो इसका अमाउंट शो हो रहा है। ठीक है, मैं इसे बंद कर देता हूँ और आपको एक और चीज़ दिखा दूँ। मैं यहाँ पर वेंडर्स में चलते हैं, बिल ट्रैकर पे चलते हैं। अब देखिए परचेज ऑर्डर नहीं है यहाँ पर, क्यों नहीं है, क्योंकि आपने उस परचेज ऑर्डर से क्या बना लिया, अपना बिल बना लिया, यानी आपने उससे क्या कर लिया, अपनी इनवॉइस बना लिया। ठीक है जी, तो आज की इस वीडियो में हमने ये समझा कि अगर आप अपने वेंडर से परचेज ऑर्डर के थ्रू या डायरेक्टली कोई माल परचेज करते हैं और साथ साथ बिल भी अगर उसका रिसीव कर लें तो उसे हम क्विक बुक में किस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये तमाम बातें समझ में आई होगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।